हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज। वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक्स एकेडमी 2। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए। आज का हमारा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आपको मैं। फिजिक्स के बोर्ड पेपर क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आपको पता है बोर्ड पेपर कैसे पैटर्न कैसा आता है उसका। जैसे कि आप सबको ये तो पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 होते हैं, और टोटल मार्क्स कितना होता है, 56 मार्क्स का पेपर होता है अपना। तो 1 से 13 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, और 14 से 24 होता है वो 2 मार्क्स के, 25 से 27 होते हैं 3 मार्क्स के, और 28 से 34 मार्क्स के। ये कुछ 3-4 क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब अपने पास चॉइस होती है, जो अपन को ईजी लगता है आता है वो हम करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 10^-9 कूलाम। ये अपने पास क्वेश्चन है, 10^-9 कूलाम का चार्ज है, और कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर डिस्टेंस पर। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जैसा कि आपको पता है, ये अपने फर्स्ट चैप्टर से है क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो देखिए, अपने पास गिवन क्या है, डिस्टेंस अपने पास गिवन है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है। और अपने पास चार्ज कितना गिवन है, क्यू इक्वल्स टू 10^-9 कूलाम। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है, आर हमारे पास गिवन है 1 मीटर, क्यू गिवन है 10^-9, और के कॉन्स्टेंट है। के की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, के इक्वल टू 9×10^9। ये अपने पास के की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 9×10^9, ये के की वैल्यू। चार्ज हमारे पास 10^-9 कूलाम, और डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर। ओके, 10^-9×10^-9, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, और ये डिवाइड होगा 1 से 9 डिवाइड होगा, तो वी इक्वल्स टू हमारे पास पोटेंशियल आ गया 9 वोल्ट। इजी क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, 1-1 नंबर्स का है ये, 1 to 13 वन नंबर्स का है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके ये। ऐसे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 10^-9 कूलाम। तो आपको फॉर्मूला पता है, के क्यू अपॉन आर, के की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, गिवन है अपने पास 9×10^9, आर भी गिवन है और क्यू भी गिवन है, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है, राइट फार्मूला फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला बताना है हमें फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, जो एक करंट कैरी कंडक्टर है इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। और कंडक्टर है करंट कैरी कंडक्टर, तो हमें पास करंट है आई, आप सभी को पता है। और फिर हमारे पास लेंथ भी है करंट कि कंडक्टर की, लेंथ भी हमारे पास, तो वो एल हो गई। हमें क्या बताना था, फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला बताना है। तो कितना होगा फोर्स का फॉर्मूला, एफ इक्वल टू आई करंट एल लेंथ इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया अपने पास, यह है फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। जब हमारे पास चार्ज हो किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये वो फॉर्मूला होता है। पर इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, हमें ये राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन LCR अल्टरनेटिंग सर्किट, R इक्वल्स टू 10 ओम, XL इक्वल्स टू 100 ओम, XC इक्वल्स टू 100 ओम। हमारे पास LCR की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, R, L और C की वैल्यू हमारे पास है। अल्टरनेटिंग सर्किट ये हमारे करंट के चैप्टर से है, हमें फाइंड क्या करनी है, राइट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट की हमें वैल्यू याद करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस ऑफ सर्किट की वैल्यू निकालने के लिए। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में।
तो हमारे पास आर की भी वैल्यू है, एक्स एल की भी वैल्यू है और एक्स सी की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जेड इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर प्लस एक्स एल की वैल्यू है 100 और एक्स की भी, एक्स सी की भी 100, इनका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में वैल्यू मैंने पुट कर दी है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी थी, आर की वैल्यू हमारे पास 10 ओम है, एक्स एल की वैल्यू हमारे पास 100 ओम है, एक्स सी की वैल्यू हमारे पास 100 ओम है। और फिर मैंने पुट कर दी यहाँ पर 10 का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखिए जेड इक्वल टू 10 स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100, ये तो 0 हो गया, तो 0 लिख देते हैं हम। और फिर ये हमारे पास बचा क्या, जेड इक्वल्स टू 10 स्क्वायर अंडर रूट में, अब वैल्यू आ गई हमारे पास जेड की 10 स्क्वायर से अंडर रूट गया और जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। इजी क्वेश्चन था ये भी, हमारे पेपर में आएगा, 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ये 1 मार्क का आएगा। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ शेडेड पार्ट। अब देखिए शेडेड पार्ट में हमारे पास चार्ज है 2 + 2 μC और -1 μC। हमें इन चार्ज से कोई मतलब नहीं है, शेडेड पार्ट का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, 2 μC -1 μC इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 μC। और 1 μC को हम क्या लिखते हैं, 10⁻⁶ कूलम। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इसलिए हमने चार्ज फाइंड किया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, φ = (ε₀)। और ε₀ की वैल्यू सबको पता है, कांस्टेंट है, 8.85 × 10⁻¹². ये ε₀ की वैल्यू होती है आपको पता है। हमारे पास नेट चार्ज क्या आ चुका है, 10⁻⁶ कूलम। तो हम अब वैल्यू में पुट कर देते हैं, φ = फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 10⁻⁶ / 8.85 × 10⁻½। अब फिर आप, अब हम आगे कैलकुलेशन करके आंसर हमारा आ जाएगा। बस हमें इतना ही करना है कि शेडेड पार्ट का पूछा है तो शेडेड पार्ट का ही यूज़ करना है, ये यूज़ नहीं करने चार्ज हमें। फिर हमने नेट चार्ज निकाला है, फिर हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, φ = (Q/ε₀)। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस इज 300 V/m। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ m/s। ये हमारा क्वेश्चन 7th chapter का है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 300 V/m एंड सी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸। हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, C = E₀/B₀। तो हमारे पास बी फाइंड करना है हमें, बी नोट, तो हमारे पास सी भी है, ई नोट भी है, तो हम बी नोट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए B₀ = E₀/C। हमारे पास वैल्यू है ई की और सी की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम B₀ = 300/3 × 10⁸। ये हो गई और हमारे पास आंसर आ जाएगा B₀ = (10⁻⁶ टेस्ला। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है अपन को, C = E₀/B₀। हमारे पास क्वेश्चन में क्या थी, सी की वैल्यू और ई नोट की वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड था और वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, हमें फाइंड करना था मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ये फॉर्मूले की वजह से, फॉर्मूले से हमने ये फाइंड कर लिया। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है। 6th question है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट।
डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन में रूट वी, और इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रम। हमारे पास गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो हमें बस वैल्यू में फॉर्मूला में पुट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करनी है। इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन में रूट वी। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू ये एज इट इज 12.27 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास 100 वोल्ट है, तो 100 का रूट, और हमारे पास क्या मिलेगा अब 12.27 अपॉन में 10, ये मिल चुका है हमारे पास। और हमारे पास आंसर होगा हमारा 1.3, ऐसे कुछ आंसर होगा एंगस्ट्रम हमारे पास। बस हमें फॉर्मूला याद करना है, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन में रूट वी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन होगा, तो हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ये आ गई डी ब्रोगली वेवलेंथ। 7th क्वेश्चन, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस +5 माइक्रोफेरेड एंड -5 माइक्रोफेरेड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, और आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू D, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। हमारे पास चार्ज गिवन है, चार्ज क्या है हमारे पास Q इक्वल टू 5 माइक्रो फेरेड में है, तो हम इसको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-6 फेरेड, और हमारे पास डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में है, तो हम इस मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, D इक्वल टू 1 × 10^-2, ये हमने मीटर में आ गई हमारे पास डिस्टेंस। हमारे पास क्यू की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, हमें बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, और हमें बस ये भी ध्यान रखना है कि किस में कौन सी यूनिट में है, कौन से यूनिट में जो अभी वैल्यू है हमें हमेशा सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस हमेशा हमें मीटर में लेनी है, और हमें से ये हमें माइक्रो कूलाम्ब या माइक्रो फेरेड हमें लेना है, फेरेड में ही और कूलाम्ब में ही। तो हमने ये कर दिया, क्यू की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू भी है, बस हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास पी इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू भी है, पी इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 × 10^-6, और डी की वैल्यू हमारे पास 10^-2, हम लिख सकते हैं 10^-6 और × 10^-2 मल्टीप्लाई में होते तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, -6 और प्लस माइनस -2, -6 - 2 -8, पी इक्वल टू 5 × 10^-8, ये हमारे पास आ चुकी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बस हमें वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं, और ये ध्यान रखना है हमें यूनिट का भी, बी केयरफुल अबाउट यूनिट्स बिकॉज हमें हमेशा डिस्टेंस तो मीटर में लेनी है, और ये जो चार्ज होता है वो कूलाम या फेरेड में ही लेना है हमें। 8th क्वेश्चन, हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 2 मार्क के आएंगे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमें डिफाइन करना है। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैंने अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था P इक्वल्स टू Q इंटू डी, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने कह रहा था P इक्वल्स टू Q इंटू डी, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इसके हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इजी है कि हमें फॉर्मूले से ही डेफिनेशन पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या है, ये इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, बस ये इतना ही था। इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल होगा, पता चल रहा है हमें, तो हम डेफिनेशन आराम से आ सकती है हमें, द सरफेस एट विच पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम, इक्विपोटेंशियल इक्वल था हमें पता है इसका मीनिंग इक्विपोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल, द सरफेस एट विच पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी सरफेस पे कोई पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे हम। क्वेश्चन 9 था हमारे पास डिफाइन रिलेशन बिटवीन देम, हमारे पास फर्स्ट है रूट मीन स्क्वायर आर एम एस एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट,
सेकंड है हमारे पास पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, थर्ड है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट देखिए, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट आई आरएमएस, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो करंट है रूट मीन स्क्वायर में इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन में रूट टू। रिलेशन होता है ये हमारा रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में जो रिलेशन होता है वो ये होता है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन में रूट टू, याद कर लीजिएगा आप इसको। सेकंड क्या है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। सेकंड देखते हैं हम पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। तो इसमें होता क्या है, पावर लेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला ये होता है पी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू वन अपॉन एफ की पावर ऑफ लेंस होती है जो अगर ये इंक्रीज होगा पावर ऑफ लेंस तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, ईजी है पी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। थर्ड देखिए, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। थर्ड है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये थर्ड, कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करनी है, फोकल लेंथ। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाती है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास यहाँ गिवन है, फोकल लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू। तो बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, एफ इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये कुछ क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, डिफाइन रिलेशन करना होगा हमें इनके बिटवीन। तो क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट में ये होता है रिलेशन आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन में रूट टू, और पावर ऑफ लेंस में आपको होता है पी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, और फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन होगी। तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन हमारे पास, इनवर्ड फ्लक्स इनसाइड क्लोज सरफेस इज 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड आउटसाइड फ्लक्स इज 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड सरफेस। हमें फाइंड करना है चार्ज की वैल्यू, फाइंड करनी है हमें इनसाइड सरफेस के, इनसाइड है अंदर। तो हमारे पास क्लोज सरफेस मतलब इनसाइड अंदर का जो फ्लक्स है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और आउटसाइड फ्लक्स है हमारे पास ये। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना क्या है, नेट फ्लक्स फाइंड करना है। तो देखिए फाई नेट इक्वल टू क्या होगा, फाइव ये आउटसाइड फ्लक्स है जो हमारे पास 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे हम इनसाइड फ्लक्स से, फाइव आउटसाइड माइनस फाइव इनसाइड। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, फाइव आउटसाइड 800 था हमारे पास, 800 माइनस 400 इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास फ्लक्स फाइव की वैल्यू आ चुकी है, फाइव फ्लक्स आ चुका है हमारे पास, टोटल फ्लक्स फाइव नेट। हमें फाइंड क्या करना था, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप सभी को पता है ये फॉर्मूला, फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू है, हमारे पास फाइव की वैल्यू है, चार्ज हमें फाइंड करना है, और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कॉन्स्टेंट है जो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10 to the power -12, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो हमें फाइंड करना है क्यू, तो देखिए क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाइव की वैल्यू क्या आई है हमारे पास फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्यू इक्वल टू 400, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8.85 × 10 to the power -12। तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने पर, क्यू इक्वल टू 3.54 × 10 to the power -9, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इनवर्ड फ्लक्स जो हमारे पास इनसाइड फ्लक्स और आउटसाइड फ्लक्स आता है, तो हमें पहले नेट फ्लक्स फाइंड कर लेना चाहिए। नेट फ्लक्स फाइंड कैसे करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके। फिर हमारे पास क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड सरफेस,
पूछा है। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइल नॉट। तो हमारे पास अगर फ्लक्स नहीं होता तो फ्लक्स इससे डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, पर हमारे पास क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, चार्ज फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्साइल नॉट। तो एप्साइल नॉट की वैल्यू कॉन्स्टेंट हमारे पास पता है, फाई हमारे पास 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ चुका था, हमने सोल्व कर दिया और हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ चुकी है, क्यू इंटू थ्री पॉइंट क्यू इक्वल टू 3.54 × 10⁻¹⁹ कूलम।